फिर कैसे हो? तो फिर से हम आ चुका है एक ब्रांड न्यू इवेंट टॉपिक के वीडियो में। फिर आज भी मेरे पास बहुत ढेर सारा न्यूज़ है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ ये समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूट्यूब से। एक्चुअली यूट्यूब में अभी एक ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहा है जिसके अंदर आप लोग को व्यूज़ नहीं देखने को मिल रहा है। आगे से आप शायद देख सकते हो इधर कि इधर आप लोग को कोई भी व्यूज़ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो यार ये मुझे नहीं पता कि ये यूट्यूब का क्या ग्लिच है, लेकिन भाई व्यूज़ नहीं दिखा रहा, तो मैं सोचा आप लोगों को ये बता दूं। फिर अभी चलते हमारा सेकंड नंबर न्यूज़ की तरफ, जो कि है गॉर्डनसन और मैक्सटन के ऊपर। एक्चुअली कुछ टाइम पहले, 3 से 4 दिन पहले एक कॉन्ट्रोवर्सियल चल रहा था एक बंदे के ऊपर। एक्चुअली उस बंदे ने, एक पबजी का एक यूट्यूबर है, उन्होंने क्या किया, एक अलग यूट्यूब चैनल बनाकर, एक फेक यूट्यूब चैनल बनाकर उससे लड़कियों को रेप थ्रेट दे रहा था और यूट्यूबर को उल्टा सीधा बोल रहा था। लेकिन गॉर्डनसन और मैक्सटन ने उसको पकड़ा। उसको पकड़ने के बाद मैक्सटन ने उसके ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाया। तो चलिए उस रोस्ट वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देखते हैं। पहले मैं अपनी जिंदगी बड़ा परेशान था, मेरी जिंदगी बड़ी बोरिंग थी, मेरी जिंदगी में कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, कोई मस्ती नहीं थी। फिर तेरी जिंदगी में गोबर आया, फिर क्या हुआ भाई तेरे साथ? और तब से मेरी जिंदगी मतलब खुद देखो, गौरव जोन एक्सपोज्ड अगेन। कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती, उनके लिए गौरव जोन एक्सपोज्ड दोबारा, गौरव जोन एक्सपोज्ड है। वन लास्ट टाइम COVID-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बंदे की खासियत यह है, आप इसके व्यूज को देख के बता सकते हो कि वीडियो किसके बारे में। अगर व्यूज आते हैं 50,000 से 1.5 लाख के बीच में, तो ये होगा हमारे गौरव जोन के बारे में। अगर व्यूज आते हैं हमारे 1 लाख से 3 लाख के बीच में, तो वो होगा हमारे YPM के बारे में। और अगर व्यूज नहीं आते हैं, तो समझ जाओ दोनों में से कोई भी वीडियो में नहीं है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मजा आया। तो इस वीडियो का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग जाकर उसको देख सकते हो। फिर अभी चलिए अगला न्यूज की तरफ, जो कि आशीष चंचल के ऊपर है। तो मैं इस वीडियो से पहले आप लोगों को एक वीडियो में बताता कि आशीष चंचल ने उनका सेलिब्रिटी फ्रेंड और यूट्यूबर फ्रेंड को बताया था, रिक्वेस्ट किया था इस कोरोना टाइम पे कुछ डोनेट करने के लिए, कुछ डोनेशन देने के लिए इस कोरोना टाइम में ऑक्सीजन की कमी की वजह से और मेडिसिन की कमी की वजह से जो लोग मर रहे हैं, तो उसके वजह से उन्होंने डोनेट भी किया था और डोनेट करने के लिए कहा था। तो उसके बाद आशीष चंचली ने आज एक इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाला, जिसके अंदर उन्होंने बताया 28 ऑक्सीजन बेड और 30 आइसोलेशन बेड अभी भी खाली है, जो कि अब पुणे में। तो आप लोग चाहे तो, आप लोग का जरूरत हो तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप लोग दिख रहे हैं इधर। और उसके बाद बहुत सारा यूट्यूबर ने उनके इंस्टाग्राम पे सब कोरोना लेकर बहुत सारा पोस्ट भी डाल रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मेरा इस वीडियो का पहला वीडियो देखना है कि आशीष चंचले ने एक्चुअली क्या बताया था उनका इंस्टाग्राम पोस्ट में, तो उस वीडियो का लिंक मेरा आइड बटन पे मिल जाएगा या वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अभी चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि है फौजी गेम के ऊपर। हाँ गाइस, एनकोर गेम ने उनका यूट्यूब चैनल पे उस वीडियो में दिखाया कि फौजी गेम के अंदर आने वाला TDM मोड। हाँ गाइस, फौजी गेम के अंदर न्यू गन भी आने वाला है और TDM मोड भी आने वाला है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और उस वीडियो का छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों को दिखा दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो बस आज का जानकारी यही भी खत्म करते हैं, और ऐसा वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसा यूट्यूब रिलेटेड न्यूज आप लोगों को देता रहूंगा। और हाँ भाई, प्लीज अगर आप लोग बाहर जा रहे हो तो प्लीज अच्छा एक मास्क पहन कर जाया करो, क्योंकि अभी इंडिया में बहुत ज्यादा कोरोना फैल रहा है। तो मिलते हैं और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका ख्याल रहेगा। जय हिंद।